पूरे विश्व में तंबाकू निषेध दिवस मनाया गया, जिसमें लोगों को तंबाकू खाने से होने वाले रोग के बारे में बताया गया, जिसके संबंध में एमडी चेस्ट डॉक्टर नदीम अरशद ने बताया कि तंबाकू दिवस हर साल मनाया जाता है। तंबाकू खाने से होने वाले बीमारियों में आने वाले आंकड़े, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा 80 लाख लोगों का तंबाकू खाने से हर साल मौत हो जाती है। इसे खाने से होने वाले रोग जैसे गले का कैंसर, मुंह का कैंसर, फेफड़े का कैंसर, लकवा जैसे तमाम बीमारियों की होती है। उन्होंने बताया कि युवाओं में इसकी लत ज़्यादा पाई जाती है तथा ज़्यादातर उत्तरी उत्तर प्रदेश के लोगों का तंबाकू खाने का तरीका, वह लोग तंबाकू फाँक कर खाते हैं तो उनके जो फाँकने का तरीका होता है उससे मुँह का कैंसर होता है, जिसमें लोगों के साथ साथ वातावरण को भी प्रभाव पड़ता है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज़ से बात करते हुए एमडी चेस डॉक्टर नदीम अरशद ने कहा, आज 31 मई को पूरे विश्व में नो टोबैको डे यानी विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य है तंबाकू से होने वाली बीमारियों के बारे में जागरूकता पैदा करना कि ये खाने की तंबाकू क्या करता है, इससे क्या विषय होती है, तंबाकू के वजह से जो आने वाली बीमारी होती है उसके बारे में बचाव करने के बारे में उद्देश्य बताया जाता है। इसका उद्देश्य ही कि पब्लिक के बारे में कि तंबाकू के कारण क्या क्या बीमारियाँ होती हैं और उससे कैसे बचा जाता है, इसी उद्देश्य से हर साल पूरे विश्व में विश्व नो टोबैको डे या विश्व तंबाकू दिवस मनाया जाता है। WHO के अनुसार हर साल 80 लाख लोग यानी 8 मिलियन तंबाकू के होने वाली बीमारियों के कारण मौत हो जाती है। जिसमें जैसे मुंह का कैंसर, फेफड़े का कैंसर, खाने की नली का कैंसर, स्ट्रोक यानी लकवा जिसे कहते हैं, डायबिटीज़ और हार्ट अटैक, इस तरह की बीमारियां, हृदय रोग जिसे कहते हैं, होती हैं। अक्सर टाइप टू डायबिटीज़ भी इससे होने का कारण होता है। अक्सर देखा गया है कि युवाओं में इसकी लत पड़ जाती है, तो इससे बचाव के लिए युवाओं को प्रेरित किया जाता है कि युवा इससे कैसे बचें और इसके हानिकारक इफेक्ट के बारे में उनको बताया जाता है ताकि वो बचने के लिए और उत्तेजित हो और उससे लगन पैदा करें। कितनी उम्र के लोग, अक्सर देखा गया है कि यंग एज में, एडोलसेंट एज में, अक्सर स्कूल वाली एज में बच्चों में तंबाकू खाने, सिगरेट पीने की लत लग जाती है। और ख़ासतौर से जो हमारा ईस्टर्न बेल्ट है, ईस्टर्न यूपी, इसमें गुटखा, खैनी, तंबाकू को अक्सर तंबाकू फाँक करके लोग खाते हैं। इससे कैंसर मुंह के अलावा जो फाँकते हैं वो फेफड़े में जाता है, उससे फेफड़े बीमारी जैसे एस्मा, COPD, कैंसर आदि बीमारियां होती हैं। तो इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि तंबाकू होने वाले जो हानिकारक इफेक्ट हैं और इसके कारण जो बीमारियां पैदा होती हैं उसके बारे में बताया जाए और इससे जागरूक किया जाए और इससे कैसे बचा जाए। आजकल तंबाकू छोड़ने के लिए एक तो विल पावर चाहिए, दूसरे दवाएं भी मार्केट में उपलब्ध हो गई हैं। अगर कोई भी आदमी तंबाकू छोड़ना चाहे तो दवा का भी इस्तेमाल कर सकता है, उससे इसे रोका जा सकता है और इससे होने वाली हानिकारक बीमारियों से बचा जा सकता है। इसी उद्देश्य से हर साल WHO विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है, जिससे पब्लिक इसके बारे में हानिकारक इफेक्ट जागरूक हो और इससे बचे सके और होने वाली बीमारियों से बच सके। क्या करना चाहेंगे? हम ही करना चाहेंगे खासतौर से यंग लोगों को कि तंबाकू इतना खतरनाक है, हर तरह की बीमारी पैदा करता है, इसके हानिकारक इफेक्ट बहुत हैं, इसके इस्तेमाल से बचें और इसके प्रभाव से बचें और अपना जीवन स्वस्थ रखें। और ये भी देखा गया कि तंबाकू मनुष्य के अलावा इन्वायरमेंट को भी यानी वातावरण में भी ये इफेक्ट डालता, प्रभाव डालता, इसीलिए इस हर साल एक थीम के साथ विश्व तंबाकू दिवस मनाया, जिसे दिवस मनाया जाता है। इस साल का थीम है प्रोटेक्ट योर इन्वायरमेंट, अपनी इन्वायरमेंट को स्वच्छ और सही रखें, जिससे कि उस इन्वायरमेंट से भी बचाव हो, उसके खतरे से बचाव हो और मनुष्य स्वस्थ जीवन शैली जी सके। थैंक यू।